भूख भूख से तेरा दूर से कोई नाता नहीं है पहले से तू तेरा। हाइट तो बहुत ज्यादा है गाइस, ये देखो ऐसा पूरा जंगल सी जंगल से है। जाते हैं नीचे। मैं तेरी गाड़ी गिराया अपन गाड़ी यहाँ से हिला नहीं भाई क्या। गाइस ये है इंटरनेट का सबसे ज्यादा वायरल और ट्रेंडिंग मंदिर। तो आप लोग आज की तारीख में तो जानते ही हो कि इंटरनेट का पावर क्या है। तो हमने इंटरनेट पे गाइस मुंबई की एक ऐसी लोकेशन देखी, वो भी इतने सारे वीडियोस की बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है वो प्लेस। तो आज मैं सुमन और रोहित देख रहे हो आगे जा रहा है वो भी। तो हम लोग जा रहे हैं त्रिमंदिर बोरीवली, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा। तो बिना किसी देरी के गाइस हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और आपको बताते हैं कैसा रहता है। और गाइस जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस सुमन यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुका है क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करके नहीं आया था घर से। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप, दोनों गाड़ियों में फ्यूल नहीं है तो फ्यूल भरवाएंगे पहले और फिर चलेंगे। एंड गाइस रोहित के तो डिक्की में हेलमेट है बट हमारे पास तो हेलमेट नहीं है, सुमन लेके आया नहीं है। तो क्या सुमन हेलमेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ना? पास में ही जा रहे ना, 13-14 किलोमीटर है गाइस, ज़्यादा दूर भी नहीं है। पेट्रोल पंप पे गाइस क्राउड देखो, इसलिए हमें अराउंड 5-10 मिनट तो रुकना पड़ेगा, 5 मिनट। यह है दोस्तों दहीसर चेकनाका, जहाँ पे हमेशा ट्रैफिक आपको मिलेगा ही। और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आपको बोरीवली में ये लेफ्ट टर्न दिखेगा जहाँ से आपको अंदर जाना है। और फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिमंदिर, जो कि बोरीवली ईस्ट में है। और यहां से राइट साइड में है एंट्री गेट जहां से हम अंदर एंटर होंगे। फर्स्ट टाइम गाइस जब इस मंदिर को देखा तो मुझे लगा यार अलग ही कुछ अट्रैक्शन है इस मंदिर में। एंड अब मैं पूरा व्यू तो बताता हूँ आपको। पहले लेफ्ट साइड में आपको शू रैक देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। गाइस यहाँ की तो वाइब ही एकदम अलग है। देखो एंट्रेंस पे गाइस दो हाथी आपका स्वागत करते हुए दिखेंगे आपको। एंड ये पूरा एंट्रेंस होता है ऐसा, कंप्लीट वाइट मार्बल्स से बना हुआ ये मंदिर दोस्तों 300 फीट की हाइट पे है। और ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जो मंदिर पहाड़ पे हो या फिर बहती नदी के पास हो वहां पे साक्षात माता जी पद्मावती का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसा कुछ प्रवेश द्वार है इस मंदिर का दोस्तों। और अंदर आते ही आपको ऊपर ब्यूटीफुल शैंडेलियर दिख जाएगा और जस्ट सामने आपको बड़ी प्रतिमा दिख जाएगी श्री सिमंदर स्वामी की। और लेफ्ट साइड में कुछ और भगवान के मंदिर भी है जो कि मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। और ये अपने दोनों भाई भी दर्शन करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पे। एंड देख सकते हो गाइस राइट साइड में आपको गणपति बाप्पा दिख जाएंगे, तो कमेंट में एक बार गणपति बाप्पा मौर्या भी ज़रूर लिख देना। और बीच में आपको दोस्तों एकदम ब्लैक एंड वाइट वाले पत्थर में शिवलिंग देखने को मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों बजरंग बली का मूर्ति, देख सकते हो। शिवलिंग के जस्ट पीछे माता पार्वती जी का भी मूर्ति लगा हुआ है दोस्तों।
और ये है पूरे मंदिर का मेडिटेशन हॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। फिर इस तरफ भी दोस्तों आपको माता जी और कुछ भगवान के फोटोज दिख जाएंगे। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर का मेन व्यू, जो कि इस डोर के बाहर का पूरा नज़ारा है। सामने पूरे दोस्तों जंगल ही जंगल दिखेंगे आपको। तो गाइस ये है इंटरनेट का सबसे ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग मंदिर, जो कि आप वीडियोस देखते हैं रील्स वगैरह पे और यूट्यूब वीडियोस जो पूरे व्लॉग्स आते हैं। तो यहाँ की वाइब तो दोस्तों एकदम ही अलग है। मीन्स मैं इतने सालों से मुंबई में रह रहा हूँ, बट मैंने भी अभी जाके इसके बारे में सुना, इस मंदिर के बारे में इंटरनेट के थ्रू ही मुझे भी जानकारी मिली थी। एंड सुमन कैसा लग रहा है यहाँ पे? मज़ा आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्स हैं गाइस। मैं आगे से भी बताता हूँ फ्रंट से। एंड यहाँ पे सब लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं। यहाँ का व्यू देख लो एक बार। यहाँ से व्यू देखो गाइस, ये देखो पूरा बोरीवली दिख जाएगा गाइस यहाँ से आपको। एंड यहाँ पे बीच में वाटरफॉल भी आता है एक, बट अभी बारिश नहीं है तो उसके वजह से वाटरफॉल नहीं है। बाकी वहाँ पे देखो लेक जैसा कुछ है, पानी वाटरफॉल का जमा होता है वहाँ पे। तो हाइट से डर लगता है यार इतना, बट हाइट तो बहुत ज़्यादा है गाइस। एंड ये देखो ऐसा पूरा जंगल से है। और गाइज अब हम जाने वाले हैं, आपको वो नीचे जो नज़ारा दिख रहा है लेक का, वहाँ पे नीचे कहाँ से जाएगा, वहाँ से रास्ता है। देखो गाइज यहाँ पे ये रोड जा रहा है बीच में से जंगल के, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत मस्त वाइब है। और वहाँ से भी एक रास्ता आ रहा है, ये देखो पब्लिक उधर बैठी भी है भाई, हम लोग जा सकते हैं। हाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं गाइज वहाँ पे, ये देखो बैठे हैं वहाँ पे। जाने वाली बात है क्या? कैसे जाएंगे गाइज यहाँ पे? ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह भी नीचे मिल जाएगा, तो हम लोग जा रहे हैं अभी वहाँ पे। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक रेगुलर डे पे इतने सारे लोग यहाँ पे विजिट करने आए होंगे, बट मे बी पॉसिबल है कि इंटरनेट पे जो ये रील्स वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा शेयर्स भी हो रही है, तो उसकी वजह से शायद सब लोग यहाँ पे विजिट करने आ रहे होंगे। बट कोई नहीं, अच्छा ही है, भगवान के प्रति आस्था बढ़ रही है इसी बहाने लोगों की। और यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में एक शॉप दिख जाएगी, जहाँ पे आप वाटर बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक और नमकीन, फाफड़ा, चेवड़ा वगैरह सामान सब मिल रहा था वहाँ पे। एंड ये पूरा टोटल मंदिर का व्यू है, यहाँ से देख सकते हो गाइज। यहाँ पे आपको मंदिर के आसपास में बैठने के लिए ऐसे बेंचेस मिल जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे बैठ के मस्त इस नज़ारे के मज़े ले सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पे तीन मंदिर है, एक तो ये जो मेन मंदिर है और दो छोटे छोटे साइड साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे गाइज। एकदम सुकून मिल गया इस प्लेस पे, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आप लोग अगर मुंबई के आसपास के एरिया में रहते हो तो आपको गाइज मस्ट विजिट प्लेस है ये, आपको यहाँ पे आना ही चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए बोरीवली ईस्ट में इस मंदिर को दोस्तों। तो आने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हम लोग को, अराउंड हाफ एन आवर में हम लोग पहुँच गए। एंड जो मेन बोरीवली सिटी है वहाँ से ये मंदिर थोड़ा सा आउटसाइड पड़ता है, अराउंड एक से मतलब 1.2 किलोमीटर के आसपास, तो इतना दूर भी नहीं है और कन्वीनियंट है, आप लोग आ सकते हो यहाँ पे। और आप लोग अपना अपना फीडबैक दे दो, जैसा इंटरनेट पे देखा था वैसा ही है मंदिर। फैमिली को लेके आ सकते हैं, हाँ फैमिली वगैरह, कपल्स वगैरह भी आते हैं, सब लोग का तो नहीं पता, बट फैमिली लेके आ सकते हैं। और कॉलेज स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स के साथ आप आ सकते हो यहाँ पे चिल विल करना है गाइस। इस मंदिर को विजिट करने का जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 7 to 9 एंड ऐसा कुछ प्लेस है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये मेन गेट है, यहाँ से एंटर करते ही आपको मंदिर दिख जाएगा यहाँ पे। एंड ये लेफ्ट साइड में जो मंदिर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो गाइस, ये देखो यहाँ पे माता जी का एक मंदिर है। दूसरा जो है ये देखो पद्मनाथ जी भगवान का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, स्ट्रक्चर है पूरा। यहाँ पे गाइस आपको माता जी दिख जाएंगे और बाजू में साईं बाबा का स्टैचू है, और ऐसा कुछ मंदिर है गाइस।
और गाइज आप लोगों को ये मंदिर कैसा लगा वीडियो के कमेंट में जरूर बताना और जय श्री राम लिख देना। जय श्री राम। और दोस्तों मौसम तो एकदम सुहाना हो रहा है बारिश के जैसा, बट बारिश तो नहीं हो रही है, उल्टा बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्म तो हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब मार्बल्स मार्बल्स की वजह से गर्म होता है क्या? तो पैर में तो थोड़ा गर्म लग रहा है गाइज मार्बल्स की वजह से, बट पूरे व्हाइट मार्बल्स से ही बना हुआ है मंदिर, पूरा देख सकते हो बहुत मस्त है। अंदर ठंडी है, बाहर गर्मी। हाँ मंदिर के टेंपल के अंदर गाइस एकदम ठंडा था, और वहाँ पे जो व्यू आ रहा है, जो मेन बड़ा गेट है और वो गेट से बाहर निकलते ही पूरा ग्रीनरी वाला व्यू एकदम मस्त है। तो गाइस इसी गेट की बात कर रहा था मैं, ये गेट देख सकते हो, एंड इस गेट से जस्ट बाहर जाते ही मतलब जो सामने जंगल का नज़ारा दिखता है बहुत मस्त दिखता है, तो मैं इसी गेट की बात कर रहा था। ये जितने प्यारे लग रहे ना गाइस, ये आपको मतलब यहाँ पे आओगे तो ही पता चलेगा, वीडियो के थ्रू मैं जितना पॉसिबल है उतना बता सकता हूँ। हम लोग जा रहे हैं मंदिर के बाहर, और मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है गाइस। रियल लाइफ में आओगे ना आप यहाँ पे तो मतलब बहुत सुकून मिल जाएगा आपको। अंबानी भी आया था, सही है, उन्होंने तो ओपनिंग किया अंबानी ने। अंबानी ने ओपनिंग किया है तो सही है, कुछ भी बोल रहा ना, देखो भाग गया है। टू स्टैंड से गाइस हमने अपने चप्पल वापस पहन लिए है यहाँ पे, और अभी एग्जिट कर रहे हैं हम लोग। तो अच्छा फोटो आएगा मुझे पता है थंबनेल के लिए। ये देखो गाइस पीछे का व्यू इतना अच्छा रहा है नीचे से, बाहर से मतलब क्लोज से तो इतना अच्छा नहीं आता, बट दूर से मंदिर के डिस्टेंस में थोड़े रहेंगे तो ही एकदम प्रॉपर व्यू आता है। ये देखो मस्त, यहाँ मंदिर की जो वाइब है गाइस वो एकदम प्रेम मंदिर जो है वैसा ही लुक एंड फील है इस मंदिर का। सुमन तू तो गया है ना प्रेम मंदिर? हाँ वृंदावन में गया। हाँ तो ऐसा व्हाइट मंदिर ही है ना वो भी? हाँ तो वो तो बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ा है, बट ये थोड़ा छोटा है, लेकिन लग तो वैसा ही रहा ना, वाइब थोड़ा मैच हो रहा है कि नहीं? सब मार्बल से बना हुआ ना। एंड वो रोहित ने गाइस बुक भी परचेस की है यहाँ से, कौन सी बुक करके? हु एम आई, हाउ लॉन्ग विल यू रिमेन हिडन फ्रॉम योर ट्रू सेल्फ, ऑल दैट रियली नीड्स टू बी नोन इज हु एम आई। अरे फोन में वीडियो भी निकाल रहा हूँ साथ में, इसलिए पढ़ने में थोड़ा वो तो मेरे को पढ़ने नहीं आता है क्या? देख तो अंदर हिंदी नहीं आता इसलिए मेरे से इंग्लिश का टेस्ट। इतना सारा बुक्स लिया है, सॉरी गाइस ये सिर्फ आपके लिए। और बुक्स बता कौन सी है? पुण्य पाप और दूसरी बुक समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य संक्षिप्त, मतलब शॉर्ट में बताया हुआ है संक्षिप्त, मतलब समझा? नहीं पता था ना पहले मेरे बताने से पहले? ऐसा कुछ नहीं है। संक्षिप्त का मतलब पता था तुझे? संक्षिप्त तुमने बोल दिया, मैं जान गया, पूछ के मतलब नहीं है। बुक बुक से तेरा दूर से कोई नाता नहीं है पहले से, तू तेरा बुक बुक से कुछ वास्ता नहीं है तुझे। मेरा 1 hour 45 मिनट में पढ़ता हूँ बुक, सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा। 24 आवर्स में भाई क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अरे कुछ भी ब्रो, आई नो तुम लोग ऐसे दोस्तों के रहते हो तो मेरा वीडियो में देख लेते। यहाँ पे बॉर्बन बिस्किट है, गायब कर दिया पूरा इस साथ में। तो खा ले फिर बोल। बुजुर्ग साहब ए का, बुजुर्ग साहब ए का, वायरल। तो गाइस मैंने और सुमन ने मिलके रोहित के साथ अभी छोटा सा प्रैंक किया है, जो कि आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो नीचे जाते, मैं कैमरा चालू करके बैठा हूँ कब से, और तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे क्या दूसरा पैकेट भी खोल दिया, नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या हूँ, क्या कर रहे? अरे रे ये कहाँ गया तेरा? साइड हेलो, कौन लेके गया वो तेरा? ये देखो गाइस इसका ये साइड में ये जो लगा हुआ है एक्सिक पे, ये लगा हुआ ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पाइप रहने दिया है। शायद हम लोग मंदिर में गए तभी किसी ने निकाल लिया है क्या? जब अपन मंदिर गए, मेरी गाड़ी गिरा है, अपन गाड़ी यहाँ से हिला नहीं भाई, क्या बोल रहा है? मतलब ऐसा कुछ किया तो बता दे क्या किया मैंने। मंदिर में थे अपन, शायद तभी किसी ने निकाला रहेगा, तो ऐसी गाड़ी चलाएगा अभी?
ये भी ब्रेक बोल रहे हैंडल तो है, वो निकल लिया तो क्या हो गया, हैंडल से चला लूंगा। बट ये देखो गाइस ब्रेक के जैसे ही लग रहा है अभी अभी। अच्छा है, चला लेगा ना ब्रो? अच्छा नहीं लग रहा है भाई, अनकंफर्टेबल। अरे बहुत रावत जी पसीना, अनकंफर्टेबल लग रहा है। मेरा ले तू, मेरा वाला तू निकाल के ले ले ले। देखो पता तुम लोग अपना प्रैंक कर रहे हो, गिफ्ट है गाइस, गिफ्ट गाड़ी से सब निकाल के। ये बोल भी रहे कि इसको गाइस हम लोग ने गिफ्ट किया है, देखो गिफ्ट नहीं, ये लोग ने मेरा प्रैंक किया है। चलते हैं नीचे, बोलना क्या बोल रहा था, बोलना बिंदास, बोल दे, तेरी आवाज उठाने का हक है तुझे, बोल 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 बोल। कमेंट करो गाइस क्या बोलना चाह रहा है, बोल बोल। ये बोल नहीं पाता, गूंगा है गाइस। आपको डॉली टपरी चाय टपरी वाला जो वायरल है उसका एक्टिंग करके बता, ये देखो देखा गाइस आपने, डॉली की टपरी, डॉली की टपरी। तो गाइस ये दोनों में कंपटीशन चल रहा था कि कौन परफेक्ट डॉली है, मींस डॉली का एक्टिंग कौन अच्छे से कर सकता है। तो ये रहा अपना रियल डॉली, देख सकते हो गाइस, ये रहा अपना रियल डॉली एंड ये है मास्टर कॉपी डॉली। तो तू दिल्ली में मत आना बेटा, ठीक है, तू मुंबई तक रहना। गाइस इस पत्ते के बारे में कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है, क्या बता, क्या इस पत्ते में? ये पत्ते हम लोग खाते हैं गांव में गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं एक हिडन लोकेशन पे, जो कि व्यू हमने मंदिर से देखा था, त्रिमंदिर से एक व्यू आ रहा था पीछे जंगल का, जहाँ पे नीचे पानी भरा हुआ था और लेक भी बोल सकते हो, पॉन्ड भी बोल सकते हो, जो भी है देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो वाटरफॉल होता है बारिश के सीजन में, अभी तो हो नहीं रहा है, बट गाइज हम लोग आपको वहाँ पे जाके बताते हैं कि वो प्लेस भी कैसी है। और थोड़ा सा ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, यहाँ से जंगल से रास्ता जा रहा है पतला सा एकदम। और सुमन और ये क्या नाम है इसका, रोहित, दोनों गए हैं गाइज वाटर बॉटल लेने के लिए, और साथ में कुछ वेफर्स वगैरह मिल जाएंगे तो वो लेके आ रहे हैं। और ये पतली सी गली है, यहाँ से हम इस लोकेशन पे खड़े थे, और ये जो पत्थरे दिख रहे हैं आपको, यहाँ से हमें वॉकिंग करके जाना है नीचे से। गाइज देखो आपको त्रिमंदिर दिख रहा होगा जहाँ पे हम लोग थे ऊपर, ये लोग सब खड़े हुए वहाँ पे, ये पूरा व्यू एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, और हम लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं। यह है सामने के पहाड़ों का व्यू, वो लोग आ रहे गाइज। तब तक मैं यहाँ पे एक अंकल है उनके साथ बैठा हुआ हूँ, ये देख सकते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे यहाँ के आंटी लोग वगैरह जो औरत लोग हैं वो नीचे कपड़े धोने के लिए भी जाते हैं, नीचे जो पानी दिख रहा है आपको वहाँ पे। और अभी वहाँ पे कुछ लोग बैठ के फिशिंग वगैरह कुछ तो कर रहे हैं, देख सकते हो। एंड गाइज बच्चे लोग यहाँ के क्रिकेट भी खेलते हैं ऐसा बता रहे थे अंकल, ये देख सकते हो, ये पूरा प्लेस प्लेन है यहाँ पे नीचे, तो वहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। ये दोनों भी आ चुके हैं गाइज, यहाँ पे देख सकते हो वेफर वगैरह क्या क्या लेके खाते हुए आ रहे हैं दोनों, पानी वगैरह सब लेके आ रहे हैं, सामान लोड हो चुका है पूरा जंगल एडवेंचर करने के लिए। गाइस यहाँ पे देखो बहुत सारी क्यूट क्यूट पपीज दिख गए हमको, ये देखो 1 2 3 4 5 6 ये देखो, लगा हुआ है जहाँ से हम लोग जाएंगे जंगल में एंटर करेंगे और स्टार्ट हो जाएगा हमारा जंगल ट्रैकिंग। एंड ये देखो अवार्ड लेके आया है क्या कहीं से, भाई भूख लगी सुबह तो कुछ नहीं खाया। हाँ तो इधर मत खुल वहाँ पे, ये देखो गाइस पूरा व्यू जंगल के बीच से जा रहे हैं हम लोग। मंदिर ऊपर मंदिर में तो जाके आ चुके हैं हम लोग, ये देखो गाइस यहाँ पे क्रिकेट खेलते बच्चे लोग, मैंने बताया था आपको। और ये देखो यहाँ पे पहाड़ों से पूरा पानी गाइस अब उतर के ना नीचे जमा होता है, ये देखो बताता हूँ मैं आपको, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। ये देखो भाई पहाड़ों का पूरा पानी उतर के बारिश के मौसम में यहाँ पे जमा हो जाता है। और अभी तो आगे जाना बाकी है गाइस, ये तो रास्ते में ऐसे आ गया तो हम लोग रुक गए। जंगल की वाइब ही अलग आ रही है यहाँ पे तो गाइस, एंड थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही है पेड़। तो ये व्यू तो यहाँ पे अमेजिंग है, मतलब जंगल में आ गए यहाँ पे, ये अच्छा डिसीजन था हमारा। और यहाँ पे कुछ लोग भाई फिशिंग भी कर रहे हैं ये पानी में, वो भी बताता हूँ मैं आपको। बाकी हमें जाना है ये रास्ते से सीधा, बट यहाँ पे देख सबसे अच्छा व्यू मुझे यहाँ का लगा, यहाँ का व्यू देखो गाइस। और यहाँ पे लोकल मछुआरे थे जो मछलियाँ पकड़ रहे थे, पॉइंट पे आके मैं रुका हूँ।
ये देखो गाइस ये वाटरफॉल का पानी यहाँ पे नीचे उतर रहा है, देख सकते हो। तो गाइस आज के व्लॉग में हमने एक्सप्लोर किया बोरीवली का फेमस त्रिमंदिर और साथ ही साथ वहां से जो नीचे व्यू आ रहा था वहां पे भी हम लोग जंगल में अभी घूम के आ चुके हैं। तो बस दोस्तों यही था आज के व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।